अहम खबर शामिल करते हैं डीजी खान से, जहां पुल शेखानी के करीब जराइम पेशा अफराद ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जान बहक हो गए हैं। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख से। यासिर, इस हादसे से मुतालिक बताइएगा। जी देखिए, ये अफसोसनाक हादसा सबसे कुछ देर पहले डीजी खान शहर से 28 किलोमीटर दूर जो है एक इलाका है शासादरदीन, और शासादरदीन के इलाके का एक मकाम पुल शेखानी है, यहाँ पेश आया है। और इस बदकिस्मत वाकये में अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है कुल 15 अफराद जो है हमलावरों की फायरिंग से जख्मी हुए और 4 अफराद जो है लुकमा अजल बन चुके हैं। वाकया पुलिस के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से है कि ये जो हमलावर, जिनमें से एक हमलावर के मारे जाने की तस्दीक भी की जा चुकी है कि इन हमलावरों ने, जिनकी तादाद 2 बताई जा रही है, इन्होंने जो है आकर अंधाधुंध शहरियों पर फायरिंग की, और शहरी उस वक्त अपनी रूटीन के मामूलात में मसरूफ थे। ये बुनियादी तौर पर दही इलाके की मार्केट है जहाँ फायरिंग हुई है, और फायरिंग के बाद जो भगदड़ मची है और उसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। इस इतला के फौरन बाद जो है पुलिस ने सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और इस वक्त तक जो 112 की रेस्क्यू सर्विस को भी जो एक्सेस है वो देखभाल के दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी इतला ये मौजूद है कि जो एक हमलावर जो है वो वेपन्ड है, मुसल्ला है, और वो क्रॉस फायरिंग पुलिस के साथ उसका सिलसिला जारी है, और उसने एक स्कूल में जो है खुद को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। पुलिस ने पूरे इलाके को जो है अपने घेरे में लिया हुआ है। जख्मियों के मुतालिक जो बताया गया है कि उनकी मुतादी जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, क्योंकि की जा रही है इस हादसे से मुतालिक। शुक्रिया आपका यासिर शेख। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.